हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों आज हम क्लियर करने जा रहे हैं यूनिट फोर्थ बीए सेकंड ईयर एजुकेशन की यूनिट फोर्थ करने जा रहे हैं। बाकी थर्ड तक हमने पूरी कंप्लीट कर ली है और उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा अगर आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से कोई वीडियो नहीं देखी तो, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जाता है और वैसे भी चैप्टर तो आपको सारे ही पढ़ने हैं, ज़्यादा चैप्टर वैसे भी नहीं है, पाँच ही सिर्फ यूनिट है। तो देखिए चैप्टर का नाम जो है हमारा वो है बाल विकास की अवस्था, उसकी चुनौतियाँ, उसकी समस्याएँ, ठीक है। उसके जो चैलेंज हैं, चैलेंजेस वो क्या हैं और उसकी समस्याएँ क्या थी, ठीक है। और इसका दो नाम है चैप्टर के, बल्कि यूनिट का हर यूनिट के दो दो नाम है। इसमें है बालक मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक संतुलित विकास, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चैप्टर शुरू करते हैं। और हाँ, पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो देखिए सबसे पहले आता है इसके अंदर मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि देखिए जो चैप्टर है ये मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ही टिका हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे यहाँ पे है मानसिक स्वास्थ्य, लगभग लगभग हमारा 55% मानसिक स्वास्थ्य मानसिक चीज़ों में ही आता है, ठीक है। देखिए मानसिक स्वास्थ्य से स्वस्थ व्यक्ति मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है वो अपने व्यक्तित्व की विभिन्न इच्छाओं, उसकी जो इच्छाएं हैं, विभिन्न आवश्यकताओं हो काट दीजिए, ठीक है, ओ आना चाहिए था, खींच गया, आवश्यकता आदि के बीच एक ऐसा तालमेल बिठाता है, एक ऐसे तालमेल लगाता है जिसे वे जीवन के सभी क्षेत्रों में एक संतोषजनक व्यवहार करने में समर्थ हो सके, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से अच्छा होगा, ठीक है, वही चीज़ मतलब अपना विकास कर सकता है और समाज के बीच में तालमेल स्थापित कर सकता है और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है, जिससे वह जीवन के सभी क्षेत्रों में संतोषजनक व्यवहार करने में समर्थ हो सकेगा। यानी कि जीवन के हर चीज़ को व्यवहार उस कर सकेगा, ठीक है, अगर वो मानसिक स्वास्थ्य है, ठीक है, तो दिमाग से, तो दिमाग से ठीक नहीं है तो वो इन सब चीज़ों को नहीं कर पाएगा। इन चीज़ों को परिभाषित करते हुए स्ट्रेंज ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसे सीखे गए व्यवहार के बीच वर्णन के अलावा कुछ नहीं है जो सामाजिक में समायोजित यानी कि वेल एडजस्ट होता है। मानसिक स्वास्थ्य सुखी तथा प्रभावशीलता के साथ वातावरण एवं उसके दूसरे व्यक्तित्व के साथ मानव का समायोजन है। समायोजन मतलब होता है देखिए उसका मिक्स, यानी कि उसका हाथ उस चीज़ के अंदर है या फिर तालमेल कह सकते हैं, ठीक है, यानी समान स्थिति, ठीक है, उन दोनों की समान स्थिति है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह होता है जो मानसिक रोगों के साथ साथ पूर्ण अवधारणा, पक्षपातों, अंधविश्वासों, इन सब चीज़ों से मुक्त हो। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वह विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन स्थापित करने में सक्षम हो, ठीक है, हर परिस्थिति में वो कैसी भी स्थिति हो उसमें वो अपने आपको उसमें उसकी ढाल गिरा सके, उसके अनुसार उठा सके, ठीक है, इस तरीके से सक्षम हो। साथ ही साथ मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति तनाव, चिंता, अवसाद इन जैसे वर्डों से भी मुक्त होता है, वो होता है बिल्कुल मानसिक स्वस्थ व्यक्ति, ठीक है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। मानसिक स्वस्थ मानव के अपने व्यवहार में संतुलन को दर्शाती है। और देखिए एक चीज़ आती है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, इसके तीन कारक हैं। पहला आता है इसमें घरेलू वातावरण, दूसरा विद्यालय का प्रभाव, तीसरा आता है इसमें सामाजिक विकास, ठीक है, ये तीन चीज़ इसके अंदर आती हैं। और घरेलू वातावरण में आता है आपका जो घर का वातावरण होता है, जैसे कि देखिए परिवार का विघटन, यानी कि परिवार का टूट जाना या लड़ाई झगड़ा होना जो भी है, माता पिता का व्यवहार और निर्धनता यानी गरीबी, और माता पिता के द्वारा से उच्च आदर्शों की पूर्ति की अपेक्षा, ठीक है, और घर का अनुशासन, परिवार के बीच में तनाव, इन सब चीज़ों से बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है, इसी से उसको प्रभावित करते हैं कारक, यानी कि उसके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग आती है। दूसरा आता है विद्यालयों का प्रभाव, तो विद्यालय के प्रभाव में जो है विद्यालय का वातावरण आता है और अध्यापक का व्यवहार और अभिव्यक्ति के अवसर न देना, किसी चीज़ को उसकी अवसर न देना, ठीक है, परीक्षा प्रणाली इत्यादि, पाठ्यक्रम और आदि, ये सब जो है विद्यालय घटक के मानसिक स्वास्थ्य के रूप में प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तीसरा आता है सामाजिक विकास, सामाजिक विकास में जो है आते हैं देखिए आदर्श, रीति रिवाज, मान्यता, इन सब के बीच में वो अपना विकास करता है, इसके अनुकूल ही उसे व्यवहार करना पड़ता है, यानी कि जैसे समाज चल रहा है उसके अनुसार ही उस व्यक्ति को भी
व्यवहार करना पड़ता है। इसमें जो है स्वतंत्रता का अभाव भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है, जो कि उससे सामाजिक कारक हैं। तो ये सब चीज़ें बंदे में या फिर व्यक्ति में बालक के, खासतौर पर बालक के मानसिक स्वास्थ्य की सकारात्मक तथा नकारात्मक की दिशा तय करते हैं। ये तीनों पॉइंट, ठीक है। अब आता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा, कि मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा में कैसे जोड़ा गया इनको, या फिर कैसे इसके बीच में अंतर है, क्या है, जो भी है, ठीक है, पढ़ के देखते हैं क्या है इसके। यहाँ पे आरंभिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे की बुद्धि, यानी कि शुरू की जो शिक्षा व्यवस्था है थी, ठीक है, उसमें बच्चे की बुद्धि, रुचि और मानसिक स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया गया था तथा शिक्षा पूरी तरह से अध्यापक के ऊपर केंद्रित थी, यानी कि जो शिक्षक पढ़ाएगा, जो शिक्षक बताएगा, सब कुछ मतलब उसी के शिक्षक के हाथ में ही था, टीचर के हाथ में। परंतु वर्तमान में जो है, अब के समय में शिक्षा का केंद्रीय तत्व बालक को माना जाने लगा और बालक के अनुसार ही देखिए उसके सब्जेक्ट भी बढ़ गए। जैसे कि आपने देखा होगा फिजिकल एजुकेशन और ITI फील्ड वगैरह काफ़ी सारी चीज़ मतलब आती चली गई हैं। तो ये सब जो है उन्होंने मौका दिया सब चीज़ को, हर बच्चे को मौका दिया कि जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपकी अभिरुचि हो, आप उसी फील्ड में जाइए, ठीक है। तो यही चीज़ है इसके, इस वाले टॉपिक में उनकी अन्य योग्यताओं को मानकर ही पाठ्यक्रम शिक्षण विधि का निर्माण किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धति में बालक का विकास ही एकमात्र लक्ष्य है, कि बालक का विकास करना है जिस मर्जी फील्ड में करा जाए, किसी फील्ड से करा जाए, ठीक है। तथा इसको काट दीजिए, तथा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मानसिक स्वास्थ्य को और विज्ञान को दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। मानव संबंधी और आर्थिक कुशलता, यहाँ पर आर्थिक है, ठीक है, आर्थिक कर लीजिएगा, आर्थिक कुशलता तथा नागरिक उत्तरदायित्व जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव है जब बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जब बच्चा मानसिक रूप से बिल्कुल अच्छा हो, मेंटेलिटी उसकी काफ़ी अच्छी हो, स्वस्थ हो, ठीक है, जो चीज़ मैंने ऊपर बताई वो चीज़ उसके अंदर ना हो। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य ठीक बनाए रखना भी है। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर डर, निराशा, चिंता और इसी प्रकार के और अन्य दोस्त की उपस्थिति में बच्चे की योग्यताओं का उचित विकास संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। शिक्षक अपने शिक्षण के कार्य को गंभीरता से समझते हुए बच्चे को उचित मार्गदर्शन तथा परामर्श देकर उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से उन्हें निकालने का मार्ग दिखाते हैं। मार्गदर्शन मतलब होता है देखिए रास्ता दिखाना, और परामर्श होता है सलाह देना, ठीक है। मार्गदर्शन या रास्ता दिखाना या रास्ता दिखाने वाला, ठीक है, मार्गदर्शक होगा, रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शन या रास्ता दिखाना, यानी कि शिक्षक ही बताता है हमें कि कौन सी फील्ड कैसी है, किस फील्ड में जाना चाहिए, और सलाह देता है वो अपनी, और इन कठिनाइयों से बच्चा आगे बढ़ता है। बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, यानी कि स्कूल, कॉलेज और जो हाई स्कूल हैं सबकी, हर तरह के स्कूलों में वैज्ञानिक से सहायता लेकर परामर्श केंद्र चलाए जा रहे हैं। जैसे कि अभी देखिए आपके SOL में भी हुआ था कुछ टाइम पहले ही, उसमें क्या हुआ था कि कोई प्रोफेसर थे, 4 या 5 प्रोफेसर आए हुए थे कॉलेज में, जो कि साइकोलॉजी के उसमें पक्के थे खिलाड़ी, ठीक है, और मैसेज भी आया था SOL की ऑफिशियल वेबसाइट पे कि कोई बच्चा ऐसा है जिसे शिक्षा में दिक्कत हो रही है, शिक्षा देने में, या फिर किसी का ज़्यादा ना बनना है तो वो हमसे आकर जरूर मिले, ठीक है, इस तरह का था। तो ऐसे ही ये बताया गया है यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे रखी गई है। अब इसके बाद आता है बाल विकास, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बाल विकास, ठीक है, बाल यानी बच्चों का विकास। इसकी एक अवधारणात्मक समझ, यानी कि सीधा सीधा कहें तो ये एक समझ है कि किस तरह से मतलब बच्चों का विकास है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इसमें किसी की परिभाषा, किसी ने अपने अनुसार डेफिनेशन दी हुई है इसकी, वो है आपके रेबर। ये इस चैप्टर में जो है रेबर ने ही सबसे ज़्यादा डेफिनेशन दी है अपनी, तो इसलिए आपको थोड़ी कठिनाई कम होगी इस बार किसी का नाम याद करने के लिए, ठीक है। तो रेबर के अनुसार किसी प्राणी के संपूर्ण जीवन में होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं, यानी कि संपूर्ण जीवन यानी पूरा जीवन, व्यक्ति के पूरे जीवन में जो भी परिवर्तन होता है उसको विकास कहते हैं, ठीक है। बाल विकास यही है, यानी कि विकास का अर्थ जन्म से लेकर मृत्यु तक है, विकास हर चीज़ का होता है। विकास की अवधारणा को जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, चौथा आता है आपका नैतिक विकास, ठीक है, और आता है आदि। तो इन विकास को जो है इन 4 भागों में बांटा गया है। एक वर्ड आता है इसमें वृद्धि,
ठीक है, वृद्धि वर्ण जो है इसमें थोड़ा अलग दिया गया है, इसका दो मीनिंग है, वृद्धि या वर्धन। ठीक है, यह दोनों अलग अलग संप्रत्याय यानी कि कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, यानी कि दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, आप कॉन्सेप्ट भी लिख के आ सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा आपको उसका। ठीक है, तो देखिए वर्धन जो है उसका अर्थ होता है शारीरिक विकास से होता है, यानी कि जो व्यक्ति के शरीर का विकास होता है, जैसे कि लंबाई बढ़ना, आकार बढ़ना और शरीर का वजन बढ़ना, ये सभी परिवर्तन को जो है हम वर्धन कहते हैं, वर्धन वृद्धि कहते हैं। ठीक है, और वृद्धि की अपेक्षा विकास अधिक मजबूत है। वृद्धि से जो है शरीर के किसी विशेष पक्ष या पक्षों में परिवर्तन का बोध होता है, किसी एक विशेष चीज का परिवर्तन का पता चलता है। ठीक है, जबकि विकास से संपूर्ण प्राणी जो है, विकास से संपूर्ण प्राणी में होने वाले परिवर्तन का संज्ञान होता है, उस चीज का पता चलता है वैद्य तथा विकास करता हुआ। ठीक है, यहाँ वैद्य नहीं है, वृद्धि है। ठीक है, वैद्य तथा विकास करता हुआ मतलब इन चीजों का परिवर्तन होता है, पता चलता है कि वैद्य और विकास करता हुआ एक बालक अपने, यहाँ पे क्रम नहीं होगा, क्रम होगा। ठीक, क्रम यहाँ पे अधरा आएगा, ऊपर नहीं आएगा। क्रम में जो है विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक समस्याओं से लगातार जूझता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा मानसिक विकास की समस्या एवं चुनौतियाँ। ये अभी तक हमारा जो है मानसिक विकास ही चल रहा है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कम से कम 55 से 60% आपका मानसिक विकास ही है। तो मानसिक विकास की जो समस्याएं हैं इसको पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है ये भी। ठीक है, बालक के मानसिक विकास को आमतौर पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यापक अर्थ। ठीक है, व्यापक अर्थ में जो है बालक के मानसिक विकास से मतलब समय बीतने के साथ संज्ञानात्मक विकास में होने वाले सभी परिवर्तन से है, यानी कि समय बीतने के साथ जो भी विकास व्यक्ति में हो रहा है उन सभी परिवर्तनों से है, इसको हम कहते हैं व्यापक अर्थ। और रेबर के अनुसार, देखिए फिर से इनकी डेफिनेशन आती है एक बार, रेबर के अनुसार मानसिक विकास से अभिप्राय संज्ञानात्मक विकास के उन सभी परिवर्तनों से है जो समय बीतने के साथ व्यक्ति में घटित होते हैं। ठीक है, वही चीज़ मतलब यहाँ पे दर्शाई गई है, इन्होंने अपने वर्ड अलग करे हैं थोड़ी, बाकी कहना वही चीज़ चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो। दूसरे संदर्भ में जेम्स का मानना है, देखिए दूसरा संदर्भ जो है वो किसी और ने दिया है, दूसरा भाग इनका, दूसरा पार्ट, ठीक है, वो है जेम्स। इनका जेम्स का मानना है कि मानसिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति से जन्म से लेकर बुढ़ापे तक, यानी कि उनकी प्रौढ़ व्यवस्था जो होती है, ठीक है, साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में से प्रौढ़ व्यवस्था कहते हैं। मानसिक विकास से तात्पर्य है कि व्यक्ति से जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के प्रगति में मानसिक योग्यता एवं कार्यों के संगठन से है। ठीक है, मान यहाँ आ गया, मां काट दीजिएगा यहाँ पे से। ठीक है, बुढ़ापे तक की प्रगति में मानसिक योग्यता एवं कार्यों के संगठन से है। मानसिक विकास की प्रक्रिया जन्म से शुरू होकर बुढ़ापे तक समाप्त हो जाती है, जबकि जो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है वो जन्म से शुरू होकर अंतिम क्षण तक रहती है, यानी कि मरने तक रहती है वो। ठीक है, और अब आता है कि इसकी विशेषताएं, मानसिक विकास की आवश्यकताएं, इनकी आवश्यकताएं क्या हैं। ठीक है, आवश्यकता भी इनकी ज़्यादा नहीं है, फिर भी थोड़ी सी ये हैं, दो चार सी। तो देखिए इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि बाकी सबको ऊपर बांटा गया है। इसमें आता है तो सामान्य विशेषता, दूसरा आता है विशिष्ट विशेषता। ठीक है, सामान्य विशेषता कौन सी होती हैं, सामान्य विशेषता यानी कि नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं उनको ही सामान्य विशेषता कहते हैं। यह एक ऐसी विशेषता है जो लगभग सभी अवस्था में देखी जाती है, इसलिए ही इसको सामान्य व्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि देखिए नए विचारों का विकास, व्यक्ति के अंदर नए विचारों का विकास होता है और बच्चे ने नए विचारों को अर्जित करते हैं, बच्चे जो है नया नया विचार सीखता है और दूसरों से विचार लेता है, प्रदान करता है विचारों का आदान प्रदान, और विचारों का स्वरूप जो है पहला तथा संख्या को निर्धारित करने में समाजीकरण का हाथ होता है। ठीक है, ये होता है नए विचार का विकास। दूसरा आता है इसमें समय बीतने के साथ परिवर्तन, जाहिर सी बात है जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उस चीज़ के अंदर परिवर्तन आता जाता है, हर चीज़ में, पैसे से लेकर शिक्षा नीति कुछ भी ले लीजिए आप, हर चीज़ के अंदर परिवर्तन आता ही आता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे इस टॉपिक का बना के भी कर सकते हैं इस लाइन को। ठीक है, मानसिक विकास में समय बीतने के साथ साथ ही नाना प्रकार के परिवर्तन होते हैं। नाना मतलब मम्मी के पापा मत समझना यहाँ पे है कोई, नाना मतलब होता है कि कई,
कोई नहीं सुन, कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों की मानसिक योग्यता में भी वृद्धि होती जाती है, उनकी जो है मानसिक योग्यता भी बढ़ती जाती है, समझने की सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है, ये सब चीज़ें। और तीसरा आता है बढ़ती उम्र के साथ परिवर्तन। देखिए इसमें जो है काफ़ी हद तक सेम चीज़ें थी, अलग अलग लैंग्वेज में थी, मैंने अलग अलग मतलब तरीके से दर्शा रखी थी, बाकी चीज़ सेम ही थी, इसलिए मैंने फालतू की चीज़ हटा दी इसमें से। अब आता है बढ़ती उम्र के साथ परिवर्तन। मानसिक विकास जो है स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी क्रमिक अनुसार, ठीक है, हिंदी में क्रमिक कहते हैं, और स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी एक के बाद एक। जैसे कि किसी बालक में बौद्धिक योग्यता का विकास, किसी बालक के अंदर बौद्धिक योग्यता का विकास भी स्टेप बाय स्टेप रूप से बढ़ती हुई आयु के साथ होता है। जैसे कि जैसा बच्चा छोटा रहेगा उसमें कम दिमाग होगा, बड़ा होगा उसका क्षमता दिमाग की बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, यही सब चीज़ें यहाँ बताई गई है। यही बात अन्य मानसिक योग्यताओं के विकास में भी देखी जाती है, देखी जा सकती है। चौथा आता है इसमें योग्यताओं का स्वरूप, कि योग्यताओं का स्वरूप कैसा है। मानसिक विकास के क्रम में योग्यताओं का स्वरूप जो है सरल से जटिल की ओर बढ़ता है, यानी कि आसान से लेके हार्ड की तरफ वो चलता है, ठीक है, बढ़ता है उसकी तरफ। शिक्षण योग्यता, यहाँ डॉट लगा दिया, ठीक है, शिक्षण योग्यता और स्मरण योग्यता, यानी कि याद करने की क्षमता, उसकी याद करने की उसकी एबिलिटी, ठीक है, और शिक्षण योग्यता और बौद्धिक योग्यता आदि जो है योग्यता का स्वरूप है, ये इसके कुछ स्वरूप हैं। अब आता है नेक्स्ट, ये है हमारा विशिष्ट विशेषताएं, ठीक है, ये दूसरा है हमारा, हमने सामान्य जो विशेषताएं हैं वो तो हमने पढ़ ली, अब आती है हमारी विशिष्ट विशेषताएं। देखो इनको तीन भागों में बांटा गया है, अब तक जो है दो भागों में बांटी जा रही थी और इनको तीन भागों में बांटा गया है। देखिए ज़्यादा वीडियो नहीं बचे, थोड़ा सा ही काम है, बस फटाफट ख़त्म करते हैं इसको, हैं इनको जो है तीन भागों में बांटा गया है। पहला है बचपन, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोर व्यवस्था। तो देखिए बचपन में क्या आता है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको थोड़ा ऐसे बता देता हूँ। बचपन वाली जो व्यवस्था है वो 2 साल से लेकर शुरू होती है, जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है जब से लेकर ये व्यवस्था 2 साल तक रहती है। इसमें जो है बच्चे का मानसिक विकास धीमे धीमे बढ़ता है और बच्चे के अंदर जो है कुछ बदलाव आते हैं, खास तौर पर जब बच्चा 5 महीने का हो जाता है तो उसकी जो दृष्टि स्पष्ट है वो स्पष्ट रूप से होने लगती है, यानी कि उसका नज़रिया जो है देखने का वो पहचान करने लगता है। और 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वो अंतर पहचान लेता है एक बार को अपने माता पिता के बीच में, क्योंकि मम्मी के हाथ में टिकता है वो, बाकी किसी के हाथ में रोता रहता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। 6 महीने की आयु में जो है वो दूरी या गहराई का भी अनुभव करने लगता है, जैसे कि पिलंग पर से इधर सर गिर जाऊंगा, एकदम झटका लगता है ना शरीर में को, उसी तरीके से, ठीक है। और इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि समझ का विकास भी इसी उम्र से होने लगता है बच्चे का, कि मैं दूध पीऊँगा मतलब इस तरह का, ठीक है। जन्म के समय में बालक में कोई समझदारी नहीं होती है, पर जब वो 6 महीने का हो जाता है तो वे अपने माता पिता और उसके संबंधी जो है उनके साथ व्यवहार करने लगता है, सुखद व्यवहार, यानी खुश रहता है उनके साथ, बाकी सबके साथ दुखद व्यवहार करता है, यानी कि परेशान करता है बाकी दूसरों को, ठीक है। और इसी तरह उसकी आयु में भी वृद्धि होती है और उससे उसकी समझ विकसित होती है, और 1 साल की आयु में जो है वो सजीव और निर्जीव में भी अंतर समझने लगता है, यानी कि कौन जिंदा है और कौन मरा हुआ है, ठीक है, उन चीज़ों के बीच में भी। दूसरा आता है हमारा बाल्यावस्था, ये जो है 2 साल से लेकर 13 साल तक के बीच होती है, और इसको ही इसमें जो है दो भाग बांटे गए हैं, इसके अंदर दो भाग हैं, यानी कि जो पहला भाग है वो है 2 से 6 के बीच में, दूसरा 6 से लेकर 13 के बीच में। जो 2 से लेकर 6 वर्ष की अवधि होती है उसको कहते हैं प्रारंभिक बाल्यव्यवस्था, ठीक है। इस समय जो क्या होता है कि इस अवस्था में दूरी का थोड़ा थोड़ा ज्ञान विकसित हो जाता है, जैसे कि बच्चे स्कूल से बाहर जाता है, थोड़ा घर वाले से दूरी रखता है, और इसमें बच्चे का जो जीवन मृत्यु है वो संभव मतलब वो चीज़ नहीं समझ पाता कि क्या जीवन है क्या मृत्यु है, ये सब चीज़ उसके अंदर विकसित नहीं हो पाती है। पर 6 से 13 साल की जो अवधि होती है उसको उत्तरा बाल्यकाल बाल्य व्यवस्था कहते हैं, ठीक है, उत्तरा बाल्य व्यवस्था कहते हैं। और उस अवस्था में जो है अनौपचारिक शिक्षा के साथ साथ औपचारिक शिक्षा के प्रभाव के कारण शिक्षा में तर्कसंगत चिंतन ये सब चीज़ें उसके अंदर विकसित होने लगती है धीमे धीमे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा किशोर व्यवस्था। किशोर व्यवस्था होती है हमारे 13 साल से लेके 19 साल के बीच में, इसको हम कहते हैं किशोर व्यवस्था।
ठीक है, ये जो होती है हमारी किशोर व्यवस्था, ये होती है 13 साल से लेके 19 साल के बीच। अब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति और ज़्यादा आगे बढ़ता है और अपने मानसिक विकास की चरम सीमा पर होता है, यानी कि ये वो एज होती है जब बच्चा सब चीज़ों के बारे में समझने लग जाता है, वो ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को इस उम्र में सोल्व कर ही लेता है, लगभग लगभग कर ही लेता है। ठीक है, इस अवस्था की जो मानसिक विकास की अपनी अलग पहचान होती है कि ठीक है, और पहले तो बल्कि 17-18 साल में शादी भी करवा देते हैं, और उससे पहले तो 10-12 साल में ही करवा देते थे। ठीक है, और इसमें जो है एक चीज़ आती है कि उसका चिंतन, चिंतन में उसकी वृद्धि पाई जाती है, उसकी अभिरुचि कि उसकी रुचि किस चीज़ में है, और उसकी आवश्यकता, उन सब चीज़ों में मतलब वो विकसित हो जाता है। ये सब चीज़ें उसके अंदर विकसित होती रहती हैं या हो जाती है। और जो है किशोर तथा तो किशोरिया में एक एक ग्रस्तता की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है ना, करीब आने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, यानी लड़का और लड़कियों के बीच में। और इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी आता है, इसमें हम नेगेटिव नहीं कह सकते उसको, पर चलो उसको कह भी सकते हैं। देखिए जो भी है आप लिख दीजिएगा, नेगेटिव को लिख के ना लिखिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिएगा पॉइंट बना के। ठीक है, कि इस अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति जो है स्वतंत्र भाव से रखता है अपना, कि मैं आज़ाद हूँ, मतलब घर वाले की कैद में नहीं रहूँगा इस तरीके से। तो लड़के जो होते हैं, लड़के तथा लड़कियाँ दोनों ही अपने माता पिता के बंधन से आज़ाद होने के भाव से पीड़ित होते हैं, क्योंकि माता पिता उन्हें आज़ाद नहीं होने देते, और बच्चा चाहता है कि मैं माता पिता से आज़ाद हूँ और अलग अलग कुछ करूँ अपना, ठीक है, या कुछ भी जो भी है बच्चा करना चाहता है वो नहीं करने देते घर वाले। पर परिणाम क्या होता है कि इसका, कि बच्चे जो हैं कई प्रकार के प्रतिबलों के शिकार बन जाते हैं, यानी कि माता पिता की जो प्रतिबल की उत्पत्ति होती है, इनकी जो उत्पत्ति होती है वो होती है उनकी माता पिता के शासन के कारण। और इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक नेगेटिव चीज़ आती है, जैसे कि बच्चे घर से भागने की सोचते हैं, है ना, घर से भाग जाते हैं, और उनका व्यवहार मतलब चेंज होने लग जाता है, उनके अंदर गंदी आदतें आती हैं, उनका कर्तव्य चोरी करना, ठीक है, कर्तव्य त्याग देते हैं अपना, वो काम में चोरी वो करते हैं, काम चोरी, काम नहीं करते घर पे, ठीक है, इस तरह से। और जो है एक आता है इसमें विशिष्ट रूप से कि लैंगिक दुराचार भी देखा जाते हैं इसके जरिए से। ठीक है, अब आता है हमारा संज्ञात्मक विकास, संज्ञात्मक विकास, इसकी समस्याएं और चुनौतियाँ। ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है अभी, मान लीजिए बस 4-1 मिनट की वीडियो बची होगी अब। तो देखिए, संज्ञात्मक विकास से तात्पर्य है योग्यता के विकास से है, एबिलिटी, ठीक है, योग्यता के विकास से है। संख्यात्मक योग्यता का अर्थ जो है बुद्धि, चिंतन, कल्पना, आदेश है, यानी इन आदेशों से होता है। संबंधित योग्यताएं हैं, ठीक है, ये जो है संबंधित योग्यताएं हैं आदि से, ठीक है, ये गलत हो गया है, ठीक है, यहां लिखिएगा आदि से, ठीक है, अब सही है। देखिए, योग्यताओं का अर्थ बुद्धि, चिंतन, कल्पना आदि से संबंधित योजनाएं हैं। रेबर के अनुसार देखिए, फिर रेबर की डेफिनेशन आती है यहाँ पे, तो रेबर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में आपका। रेबर के अनुसार इसका अर्थ एक ऐसे मानसिक व्यवहार से है जिसका स्वरूप अमूर्त, यानी कि अमूर्त का जो है कोई वैसा मेरे को डेफिनेशन नहीं मिली, मैंने खोज भी की थी पर इंग्लिश पर मैंने आपका इसके सामने रख दिया है, ठीक है, जिसका स्वरूप जो है अमूर्त होता है, और जिनमें जटिल नियम, उपभोग, विश्वास, अभिप्राय, समस्या समाधान तथा अन्य चीज़ें शामिल होती हैं। समस्या समाधान करने, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं, और भी चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। और देखो, थिंकर आते हैं इसमें, ये आते हैं जे एस ब्रूनर। जे एस ब्रूनर जो है, इनके योगदान जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय है, इस चीज़ में इनके भी काफ़ी योगदान है, पर इसमें हम सिर्फ प्याजे के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। अब जीन प्याजे वही है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, जीन प्याजे का सिद्धांत फर्स्ट में, सॉरी सेकंड में पढ़ा था शायद, मुझे कंफर्म नहीं है पर सेकंड में ही था, ठीक है। तो उन्हीं के जीन प्याजे का ही सिद्धांत है यहाँ पे, और वही चीज़ जो हमने पढ़ी थी उसमें, वही चीज़ यहाँ पे आएगी, आमूर्ति वगैरह पढ़ी थी हमने, आपको ध्यान हो, ठीक है। तो संज्ञात्मक विकास के संबंध में जीन प्याजे का महत्वपूर्ण योगदान है, और उनका योगदान सबसे ऊपर है। वह एक मनोवैज्ञानिक थे, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं वैसे, जिनका जन्म 1896 में हुआ तथा उनकी मृत्यु जो है 1980 में हुई, तथा प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी इन्होंने सिद्धांत को रखा। तो
तो ठीक है, इन्होंने कुछ पॉइंटों में रखा है, हमने पॉइंट में दर्शाया है आपको। पहला आता है अनुकूलन। उनके अनुसार जो है अनुकूलन की प्रवृत्ति यानी कि स्थिति बालक में जन्मजात होती है। इसकी स्थिति जो है बालक में जन्मजात होती है, बच्चे के पैदा होते के साथ ही होती है। अनुकूल का अर्थ है वातावरण के साथ तालमेल स्थापित करना, ठीक है, यानी कि वातावरण के साथ अपने आप को ढालना वगैरह जो भी है, तालमेल स्थापित करना। और यह दो तरीके से संभव होता है, जिन्हें जो है समायोजन या समझौता कहते हैं। आप समझौता भी कह सकते हैं ना, जिन्हें समझौता कहते हैं। जब कोई बालक किसी परिस्थिति या नहीं परिस्थिति में होता है, ठीक है, तो वह पूर्व स्थापित प्रतिरूप के आधार पर व्यवहार करता है। यानी कि पूर्व मतलब जो पहले की जो स्थिति थी उसके उसी के तरीके से वो अपना व्यवहार करता है। यदि उनका व्यवहार प्रतिरूप सफल होता है तो इसमें वो कोई परिवर्तन नहीं लाता, उसको लगता है कि मेरा व्यवहार अच्छा है, ठीक है। अगर गंदा व्यवहार है तो उसमें शायद चेंजिंग लाने की कोशिश भी करता है। तो इन्हीं को जो है जीन पियाजे ने आत्म शक्तिकरण की परिभाषा दी है। दूसरा आता है संरक्षण। तो जीन पियाजे के संरक्षण का अर्थ है वातावरण में परिवर्तन, उसके वातावरण में परिवर्तन लाना, चेंजिंग लाना, तथा स्थिरता को समझना, और वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा उनके तत्वों में परिवर्तन में अंतर करने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो देखिए, पियाजे के द्वारा बालक में एक और वातावरण के परिवर्तन तथा स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी में अंतर करने की क्षमता, और दूसरी ओर वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन और उनके अनेक तत्वों की परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित होती है। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, सिर्फ परिवर्तन करने वातावरण के साथ परिवर्तन करने की क्षमता उसमें विकसित होती है, ठीक है। और थर्ड आता है हमारा संज्ञानात्मक संरचना। भिन्न भिन्न आयु के बालकों की संरचनात्मक संरचना भिन्न भिन्न हुआ करती है। बढ़ती हुई आयु के साथ यह संगठन संरचना सरल से जटिल बनती जाती है, ठीक है। जैसे कि वही इजी से हार्ड लेवल जाता जाता है इसका भी। चौथा आता है इसमें हमारा मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया क्या होती है? जब बालक किसी समस्या का समाधान करना शुरू करता है तो उसकी मानसिक संरचना जो है संक्रिया बन जाती है, मजबूत भी कह सकते हैं कि मजबूत बन जाती है। इसे ही मानसिक संख्या या मानसिक परिचालन कहते हैं, यानी कि उनकी जो मानसिक चीज़ें हैं उनको चलाना, ठीक है, परिचालन कहते हैं। पांचवा आता है स्कीमा। स्कीमा वर्ड भी आपने पढ़ा था, मैंने कहा भी था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए यहाँ पे दोबारा आ गया स्कीमा। इसका अर्थ एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यकरण संभव हो, और संज्ञानात्मक संरचना तथा मानसिक परिचालन से गहरे संबंध हैं इनके, इनके जो है गहरे रूप से संबंध है, ठीक है। और इसी के साथ ही वीडियो आपकी समाप्त होती है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, आपने पूरी वीडियो लास्ट तक देखी, ठीक है। और जल्दी ही आपको इकाई फोर्थ का भी सेकंड चैप्टर मिल जाएगा, और फिफ्थ भी आपको जल्दी ही करवा दूंगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ एक दो दिन में ही करवा दूँ, ठीक है, क्योंकि आपके पास भी इतना वक्त नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ देखिए वीडियो समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ बेल आइकन को बिल्कुल दबाएं। आप बिल्कुल बेल आइकन दबाते नहीं हैं, कई बार भूल जाते हैं, आप बिल्कुल भूलें ना और दबाएं। कुछ समझ ना आए हो तो कमेंट करके जरूर पूछें, और बाकी वीडियो आपको प्राइवेट में मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।